नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर विधि को लेकर आपको कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, बात करते हैं आज की विधि के बारे में। आज की विधि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दूर से वशीकरण करने वाली विधि है। कई लोग अपने प्रेमी के पास नहीं होते हैं या उनका प्रेमी इतना दूर होता है कि उनके पास जाकर वशीकरण करना संभव नहीं होता। तो दूर से जो वशीकरण होता है वो उस जगह पर बहुत ही काम आता है। तो आज की विधि उसी प्रकार की है, जो आप कहीं पर भी बैठे बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे और कहीं पर भी आपका प्रेमी हो वहां पर आप वशीकरण की रश्मियां पहुंचा सकते हो और सामने वाले को वश में कर सकते हो। विधि की सामग्री रहेगी लौंग। लौंग आपको लेनी है फूल वाली, इस प्रकार की फूल वाली लौंग लेनी है। खंडित लौंग नहीं लेनी है, इस बात का ख्याल रखें। खंडित लौंग इस प्रकार की होती है जिसमें ये ऊपर का फूल नहीं होता, ये खंडित लौंग है, ध्यान रखिएगा। ऐसी लौंग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। मित्रों, लौंग के बारे में आपको मैं एक रोचक तथ्य बता देता हूं कि ये घर में मसालों की तरह भी यूज में होती है और औषधि के रूप में आयुर्वेद में भी यूज में ली जाती है। इसका वास्तु के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा पाठ में, सात्विक जो पूजा पाठ होती है उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और तंत्र विद्या में भी ये बहुत ही कारगर सामग्री के रूप में मानी जाती है। बस मंत्रों का फेर है। अगर आपने किसी सात्विक पूजा का मंत्र बोल दिया तो ये सात्विक हो जाएगी, किसी तांत्रिक मंत्र को बोल दिया तो ये तांत्रिक सामग्री बन जाएगी, और अगर आपने वास्तु की तरह से इस्तेमाल किया तो ये वास्तु की सामग्री बन जाएगी। ये सब मंत्रों का फेर होता है, मंत्रों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है जिससे ये उस प्रकार से काम करती हैं। तो आज लौंग के द्वारा आपको वशीकरण कैसे होता है वो बताया जाएगा। मित्रों, विधि का समय रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी सुबह से शाम तक आप कभी भी इस विधि को कर सकते हो, बस राहु काल को छोड़ देना। मित्रों, राहु काल रोज 2 घंटे का होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस दिन आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर किसी भी हिंदू कैलेंडर में देख सकते हो। राहु काल 2 घंटे का होता है, उस समय आपको ये विधि नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखें। किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच राहु काल छोड़कर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको ये विधि करनी है। सात्विक पूजा है, सात्विक तरीके से करनी है और ये विधि कहीं एकांत स्थान पर बैठकर नहीं होगी। ये विधि एक ऐसे स्थान पे होगी जहां पर बहता हुआ पानी हो। आपको किसी भी बहते हुए पानी के स्रोत के पास जाना है, चाहे वो नदी हो, नहर हो या फिर जैसे शहरों में बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, तो आपको अपने शहर में ऐसी जगह देखनी है जहां पर निरंतर बहता हुआ पानी हो। कुएं और बावड़ी में, तालाब में जहां पर पानी रुका हुआ होता है वहां पर ये विधि आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। जहां पर पानी बहता रहता है, चाहे वो गंदा नाला ही क्यों ना हो, पर वो पानी बहता हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको जाना है एक लौंग लेकर, मात्र एक लौंग फूल वाली लेकर आपको जाना है और उस लौंग को वहां पर जाकर आपको अपने मुंह में रख लेना है। अपने मुंह में आपको उसे रखकर, और इसे कोई सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित नहीं करना है, आपको यह लौंग मुंह में रखकर इसे अभिमंत्रित करना है, जिससे आपका जो अंश है वो इस पर लग जाए।
और अब ध्यान से सुनिएगा इस विधि को कैसे करना है। आपको वहां पर जाना है जहां पर बहता हुआ पानी हो, वहां पर जाकर आपको इसे अपने मुंह में रख लेना है और मुंह में रखने के पश्चात सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है आंखें बंद करके। आंखें बंद करके वहां पर आप बैठ जाइए और आंखें बंद करके आपको अपने प्रेमी का, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको वशीकरण करना चाहते हो और चाहते हो कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपसे आकर्षित हो जाए, उस व्यक्ति का चेहरा अंतर ध्यान करना है और अच्छे से उसका प्रतिबिंब अपने अंतर्मन में देखना है। जितना अच्छे से आप उसका चेहरा देखोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा, ये ध्यान रखना। और चेहरा उसका देखते हुए, आंख बंद करके उसका चेहरा अंतर ध्यान करते हुए आपको 11 बार उसका नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है सीमा, तो वो अंतर ध्यान करेगा अपनी पत्नी का चेहरा और 11 बार बोलेगा अपनी पत्नी का नाम। तो आपके प्रेमी का, आपकी प्रेमिका का, आपके पति पत्नी, किसी का भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम आपको अंतर ध्यान करते हुए, उसका चेहरा देखते हुए, चाहे इसमें 5 मिनट का समय लग जाए, यही मेन विधि है, मेन पोर्शन यही है, यहां से ही विधि चालू होती है। क्योंकि विधि में आप सिर्फ नाम लोगे तो नाम की करोड़ों लड़कियां या करोड़ों लड़के हैं इंडिया में, किसका वशीकरण होगा? तो वशीकरण जिस व्यक्ति का करना है उस व्यक्ति का आपको चेहरा अंतर ध्यान करना है, यही मेन चीज है। तो आपको चेहरा अंतर ध्यान करते हुए 11 बार नाम बोलना है, उसके बाद तुरंत आपको, फिर आपको अंतर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपनी आंखें खोल सकते हो। 11 बार नाम बोलने के बाद आप अपनी आंखें खोलिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र ध्यान से सुनिए, लौंग आपके मुंह में रहेंगी, अंतर ध्यान करते हुए भी रहेंगी और मंत्र बोलते हुए भी रहेंगी। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो पहले अच्छे से मंत्र को रटें, उसके बाद आपको मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण थोड़ा ऊंचा स्वर में करना है, मन में नहीं करना है, ध्यान रखना। मंत्र है ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा। किसी का नाम आपको नहीं लेना है। अंतर ध्यान आपने जिस व्यक्ति का किया है और 11 बार जिसका नाम लिया है उसी का वशीकरण होगा। अंतर ध्यान एकदम पूरा पावर के साथ में करना, अच्छे से उसका चेहरा देखना। 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, कितनी भी देर लग जाए, आपको विधि अगर सफल करनी है तो चेहरा अंतर ध्यान अच्छे से कर लेना। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा। लौंग आपके मुंह में रहेंगी, 108 बार आपको मंत्र बोलना है। माला से भी कर सकते हो और ऐसे हाथ में काउंटिंग भी कर सकते हो। अगर इस प्रकार से आप हाथ में काउंटिंग करते हो तो एक बार काउंटिंग करने पे 15 आते हैं और 7 बार करने पर वो 105 हो जाते हैं। फिर आप 3 बार और कर सकते हो। इस प्रकार से आप 108 बार हाथ के जो ये हैं इनके सहायता से भी आप मंत्र कर सकते हो, माला की सहायता से भी कर सकते हो। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप माला किसी भी प्रकार की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, किसी भी प्रकार की आप माला लो, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ मंत्र की काउंटिंग सही करनी है। 107 भी नहीं होना चाहिए, 109 भी नहीं होना चाहिए, मंत्र 108 होने चाहिए, एक माला पूरी होनी चाहिए। मंत्र है, दोबारा सुनिए, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा। इतना करने के बाद आपने जो अपने मुंह में लौंग रखी है उसको आपको निकाल के सीधा बहते हुए पानी में डाल देना है और आपका उस दिन का काम खत्म हो गया। फिर आप अपने घर भी आ सकते हो, आप अपने काम पे भी जा सकते हो, आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में घुल मिल जाइए। आपने उस दिन का काम कर दिया है। ये कार्य आपको मात्र 3 दिनों तक करना है। मान लीजिए आपने किसी भी शनिवार को यह काम शुरू किया तो शनिवार आप बहते हुए जल के स्रोत के पास गए, वहां पर आपने लौंग मुंह में रखा, सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान किया, एकदम अच्छे से उसका प्रतिबिंब अपने अंतर ध्यान में देखा और 11 बार आपको उसका नाम लेने के बाद मंत्र बोलना है, ओम सम सम्मोहनाय क्रीम क्रीम स्वाहा। 108 बार मंत्र बोलने के बाद ये लौंग अपने मुंह में से निकाल के इसे बहते हुए पानी में डाल देना है। फिर आपको उस दिन आप अपने काम में लग जाइए और रविवार को दोबारा दिन में कभी भी राहु काल छोड़कर, ध्यान रखिएगा रविवार को भी वही नियम लागू है, दिन में कभी भी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच राहु काल छोड़कर कभी भी जब आपको टाइम मिले तब आपको वापस उसी स्रोत के पास जाना है और इसे मुंह में रखकर 11 बार नाम लेकर सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करके मंत्र बोलना है 108 बार और इसे भी डाल देना है।
तीसरे दिन भी आपको यही करना है, सोमवार को भी आपको राहु काल छोड़कर जाना है, अभिमंत्रित करके, और इसे भी आपको डाल देना है। 3 दिन का ये उपाय रहेगा, और 3 दिन अगर आपने ये विधि कर दी तो हम आपको वचन देते हैं कि ये विधि इतनी पावरफुल है, दूर से इतना ताकतवर वशीकरण होगा, चाहे आपका प्रेमी दुनिया में किसी भी कोने पे हो या घर के सामने ही हो, जब दूरियां होती है ना तो सामने वाला अगर आपके सामने भी बैठा है तो भी वो मिलो जितनी दूरियां होती है, तो अगर वो मिलो दूर है तो भी ये काम करेगा, और अगर घर के सामने रहता है तो भी ये काम करेगा, क्योंकि दूरियां उतनी ही है। उन दूरियों को कम करने के लिए आपको आकर्षण बनाना पड़ेगा, आपके नाम का आकर्षण सामने वाले पे बनाना पड़ेगा, जिससे वो व्यक्ति आपके लिए विचलित हो जाएगा। अगर आपका कोई पुराना रिलेशन उसके साथ रहा है तो उसको वो रिलेशन याद आने लगेगा, आप उसके सपनों में आने लगोगे, यानी कैसे भी करके सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो, देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो। 3 दिन के बाद, चौथे दिन से ही, जैसे आपने 3 दिन का काम समाप्त किया, फिर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में लग जाओ, चौथे दिन से ही आपको रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। वो व्यक्ति खुद कॉल करेगा, खुद मिलने आएगा, खुद मैसेज करेगा, उसका खुद का इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र कर्म किया है, तांत्रिक कर्म करके रश्मियां आपने बनाई है, और रश्मियां उस तक जाएंगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से, लाइक करने से, शेयर करने से काम नहीं होता है। आप सबसे पहले विधि करिए, बाद में सब कुछ करिए। हम यहां पर व्यू पाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, आप ये करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अगर ये काम करके कामयाब होते हो, वही हमारे लिए पारितोषिक है, वही हमारे लिए इनाम है। तंत्र विद्या अगर जीवित है भारत में, वही हमारे लिए इनाम है। बस ये ध्यान रखना, सात्विक विधि सात्विक काम के लिए ही यूज में लेना, किसी गलत काम के लिए हमारी विधियों को देखना बंद कर दीजिए। शादी करना चाहते हो, दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, आखिरी सांस तक अपने प्रेमी को पाना चाहते हो, तो हमारी विधि करिए, आपका स्वागत है। पर काम वासना के लिए अगर आप विधि करना चाहते हो, किसी का फायदा उठाने के लिए आप ये विधि करना चाहते हो, तो आज से वीडियो देखना बंद कर दीजिए, हमारी विधियां आपके लिए नहीं है। और पूरी श्रद्धा से आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा, आपका प्रेमी आपसे दूर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप ये तांत्रिक कर्म करते हो तो उनसे ऐसी एनर्जी प्रवाहित होती है जो पॉजिटिव एनर्जियों का काम करती है आपके लिए। सामने वाला आप कितने भी गलत हो, वो आपको पॉजिटिव ही समझेगा। अगर किसी काम में आपकी गलती भी हो गई है तो भी वो आपको पॉजिटिव समझेगा कि इसकी गलती नहीं है। क्योंकि कई लोगों का आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत गलत होते हैं, पर फिर भी उनको लोग गलत नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी एनर्जी है, जो एनर्जी प्रवाह हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है, जिस वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, और उनकी गलती होते हुए भी उनके समीप लोग जाते हैं और उनके तरफ से लोग बोलते हैं। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी महादशा, ग्रहों की महादशा इस प्रकार की चल रही होती है कि उनसे पॉजिटिव एनर्जियों का निर्वाह होता रहता है। और अगर कोई सही व्यक्ति भी होगा और उसकी ग्रह गोचर की दशा गलत चल रही होगी तो उससे नेगेटिव एनर्जी का निर्वहन होगा, जिससे लोग उसे गलत ही समझेंगे। तो ये सारा एनर्जी का खेल है। आज आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक तरंग है, इंटरनेट भी एक एनर्जी है, जो दिखती नहीं है पर काम करती है। उसी प्रकार से वशीकरण का काम है, जो दिखता नहीं है पर काम करता है। चारों ओर मौजूद है आकर्षण, बस उस आकर्षण का आह्वान करने वाला चाहिए, उस आकर्षण को इन सामग्रियों में उतार कर काम करवाने वाला चाहिए। तो आप ये विधि करिए, पूरी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा और उम्र भर के लिए आपका काम बनेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो, और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, उसका इलाज आपको बताया जाएगा। और अगर किसी भी कारण से आप ये विधि
नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से ये विधि संपन्न करवाना चाहते हो तो हमें संपर्क करें, ये विधि आपके लिए आश्रम से संपन्न की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।